आज हम पास्ता बनाएंगे। एक कटोरी पास्ता, अब इनको हम धो लेंगे। हाँ, एक कटोरी में 2 गिलास पानी डालकर हम इसको बॉईल करेंगे। 10 या 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगे। अब हम पास्ते को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना नीचे, ये चिपक जाते हैं आपस में। देखो, कुछ ही सेकंड या 1-2 मिनट में ये पकने वाले हैं, फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। देखो, थोड़ा ज्यादा पानी डालने से ये चिपकते नहीं। एक एक देखो, हम एक एक देख सकते हैं इनको। अब देखो, हमारे पास तो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको हम साफ पानी में अच्छे से धो लेंगे। अब हम पास्ता बनाने की विधि बताएंगे। अब हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और हम पास्ते में देखो कटा हुआ प्याज, एक टमाटर, 2 हरी मिर्च, 2 गाजर, बीन्स, हरे छोले, लहसुन, अदरक ये डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, दो कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे, 2 छोटी गाजर, बीन्स, हरे चने डाल लेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने देंगे इन सभी सब्जियों को। हमारी सब्जियां पक चुकी हैं। अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे। मुझे हरी सब्जियां खाना पसंद है, इसलिए मैंने सब्जी डाल दी है। हरी सब्जियां हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, इनको ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, 1 छोटा चम्मच, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, और हम पास्ते बॉईल किए थे उसमें डाल दिया था, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक को। और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसको हम मिक्सअप कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे, हम ढककर रख देते हैं। अब हमारी सभी सब्जियां पक गई है और तेल भी छूट गया है, देखो कितना यम्मी टेस्ट। अब हम इसमें पास्ते को डाल देंगे। अब इस सभी को मिक्सअप कर लेंगे। अब ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। हम इसको अच्छे से मैश कर देते हैं। हमारे पास्ता बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देंगे हरी। देखो, ये बनकर तैयार हो गया है। मैंने गैस को बंद कर दिया है, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। वाओ, कितना स्वाद। लो दोस्तों, आप भी खाकर बताओ कितना टेस्टी बना है। देखो, वाओ, वेरी टेस्टी। मेरा तो मन कर रहा है किसी को ना दूं, अपने आप सारा खा जाऊं। वाओ, यम्मी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।